ये हम जा रहे हैं मेन बाज़ार से राइट एंड साइड टर्न लेके। ये हम जा रहे हैं अपने क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट की ओर। देखते हैं, 24 किलोमीटर है, ये गूगल मैप दिखा रहा है। देखते हैं कैसा रास्ता है। ये है लोनावाला लेक और हम जो ये रास्ते पे जा रहे हैं वो है तुंग किला की ओर का रोड है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सीन है, लगता है यहाँ पे मेरा ड्रोन काफी काम आएगा। ओहो, ये पुराना डैम लगता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज़ है। बहुत ही बढ़िया सीन है और ये आप देख लीजिए, लोग ऊपर भी जाते हैं, पूरा चारों ओर देख लीजिए। वापिस हम आएंगे यहाँ पे। गर्ल्स भी यहाँ पे घूमने आई है। और ये झरना, छोटा मोटा झरना है यहाँ पे, ये दूसरा झरना है। ये रास्ता है हमारे क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट जाने का। बोलते हैं लास्ट में 7-8 किलोमीटर ख़राब है, अभी तो अच्छा है। सीधी सपाट चढ़ाई 45 डिग्री था उस वक्त।
एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पे नेट नहीं आता, ये ऊपर हम काफ़ी ऊपर आ चुके और यहाँ पे गाय आ सकती है, नेट नहीं आ सकता। और फिर से हम नीचे उतर रहे, देखिए आपको क्या करना है, ये संतोष होटल यहाँ, फिर ये जो कॉर्नर है एमबी वैली, सीधा जाओगे तो एमबी वैली और ये लेफ्ट में मुड़ोगे तो 9.9 किलोमीटर वहाँ पे क्लब महिंद्रा का बोर्ड भी मारा हुआ है, तो 9.9 किलोमीटर ये देखिए सामने आ गया बोर्ड, आप देख सकते हैं 9.9 किलोमीटर क्लब महिंद्रा। अभी ये रोड पे काफ़ी रिजोर्ट, अरे उस तरफ जाने का था, उस तरफ गलत, देखो मैं ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ये बोर्ड लिखा हुआ है क्लब महिंद्रा तुंगी, तो यहाँ से हमें मुड़ना है इस तरफ, ठीक है। मैं सीधा चला गया था तो आप देखिए, अच्छा है ये, कम से कम ये रिजोर्ट के लिए तो क्लब महिंद्रा ने बोर्ड मारे हुए हैं, बाकी मैंने कहीं पे क्लब महिंद्रा का एक ही बोर्ड आता है कोई भी रिसोर्ट में, देखो यहाँ पे मारे हुए हैं। शायद ये रोड थोड़ा अटपटा है, तुंगी किला रोड है ये। ये जो आपको तुंगी में जब भी आप बुक करवाते हो, साल में एक ही बार बुक होता है, ये आपको बता दूं, अगर आप मेंबर हो फिर भी साल में एक ही बार ये पर्टिकुलर रिजॉर्ट बुक होता है, क्योंकि ये हमेशा फुल रहता है, इसका डिमांड काफ़ी है। बाय चांस हमें 3 दिन के नोटिस पे ये मिल गया, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो और अभी 1 साल तक आप इसको बुक नहीं करवा सकते, जैसे मैंने अभी करवाया तो 1 साल तक मैं अभी ये रिजॉर्ट बुक नहीं करवा सकता, ऐसा है। और ये देखिए बढ़िया सा ऊपर क्लाउड है, अक्टूबर का आज है
19 तारीख और अभी भी क्लाउडी वेदर है। कल हम, आपने वीडियो में देखा होगा, कल हम बॉम्बे आए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश, बीच में कम से कम 20-25 मिनट तो होगा और काफ़ी किलोमीटर तक हमने बारिश का सामना किया और ज़बरदस्त बारिश, ऐसा नहीं कि बूंदाबांदी, ऐसा नहीं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सीन है। इफ़ यू आर नेचर लवर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पूरा गाड़ी हिल रहा है और ये लोग चेकआउट कर रहे हैं हमारे लिए शायद, थैंक यू। और ये देखिए मस्त है, आई लाइक नेचर। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि हिल स्टेशन भी मिल गया और नेचर भी है। रास्ते की कंडीशन पहले ही वो लोग बता देते कि लास्ट जो 7-8 किलोमीटर लास्ट में 1-2 किलोमीटर शायद अच्छा है। तो टायर ख़राब हो सकते हैं, आप जो व्हीकल लाते हो तो टायर ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए, पता नहीं ये जानबूझ के है कि यहाँ नेशनल पार्क है। जनरली हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि नेशनल पार्क में जानबूझ के ये ख़राब रखते हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कौन से एनिमल है फिर भी ख़राब रखा हुआ है। बिल्कुल स्लो ले जा रहा हूँ मैं, की स्पीड से मैं तो ले जा रहा हूँ। मेरा गाड़ी नया है और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। और ये सुबह में शायद बारिश हो गई है। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वी आर इन द जंगल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। तो ये है क्लब महिंद्रा तुंगी रिजोर्ट का रास्ता जो कि काफ़ी पथरीला है, किसी ने बनाया था, उसके बाद कोई केयर लेने की वजह से ये बिल्कुल बिगड़ चुका है, बारिश की वजह से भी बिल्कुल बिगड़ चुका है। प्लॉट ओन बाय विजय एल ठाकुर, मिस्टर ठाकुर का ओनर। चलो भाई ठीक है भाई, तुम्हारा प्लॉट लिया। अमेजोन के जंगल के जैसा ये है एरिया, दिन में भी अंधेरा हो चुका है। ये देखिए, ये है क्लब महिंद्रा तुंगी रिजोर्ट।